हेलो गेमर्स, माय नेम इज अबू। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज हम फिर से एक बार देखने वाले वायरल माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक्स। जो फर्स्ट टिकटॉक हैक, अ कूल माइनक्राफ्ट वाटर ट्रिक। तो यहाँ पर इस बंदे ने एक स्पॉन्जेस का फ्लोर बना दिया है एंड देन उसके ऊपर आग लगा के पानी डाल दिया। स्पॉन्ज के ऊपर पानी में से रख सकते हैं? आई डोंट हैव एनी आइडिया, मैंने कभी ट्राई नहीं करा है, सो ये मेरे लिए नई चीज़ है। आई मीन वहाँ पर उसने पानी का एक फ्लोर बना दिया एंड अभी वो स्पॉन्ज को तोड़ रहा है एंड देन पानी नीचे भी नहीं गिर रहा है। ओ, पानी नीचे फ्लो नहीं हो रहा है, व्हाट द हैक। तो ओ माय गॉड, ये एक वाटर की छत बन गई। एंड ये हम आ गए माइनक्राफ्ट के बहुत ही प्यारे से वर्ल्ड में। स्पॉन होते ही मुझे यहाँ पे एक रुइन पोर्टल दिखा, इसके अंदर लूट, एक गोल्डन एप्पल एंड ऑक्सीजन, काफी अच्छी लूट है एंड एक लाइट वेट प्रेशर प्लेट। भाई मैंने पहली बार देखी रुइन पोर्टल के अंदर, बट एनीवेज अभी हमको वहाँ पर एक ये वाला हैक ट्राई करना है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे एक छोटा सा रूम बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम ये वाला टिकटॉक हैक ट्राई करेंगे। हम ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही बनाएंगे। फाइनली हमारा एक छोटा सा रूम यहाँ पर क्रिएट हो गया। देन उसने यहाँ पे थोड़े से स्पॉन्ज का यूज़ करा था, तो ड्राई स्पॉन्ज ले लिया एंड एक वाटर बकेट भी ले लेते। पता नहीं भाई उसने कैसे करा था, तो वहाँ पर उसने ऐसा फ्लोर बनाया था सबसे पहले स्पॉन्ज का, ठीक है। एंड देन वहां पर उसने आग लगा के उसके ऊपर पानी, मतलब पानी डाला था। 1, 2, 3 and 4। फाइनली हमारा एक स्पॉन्ज का एक लेयर तैयार हो गया है। देन इसके बाद हमको जरूरत है एक फ्लिंट एंड स्टील की, उसने उसी का वहां पे यूज करा था। सो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर इसे फ्लिंट एंड स्टील से आग लगानी है एंड देन उसके ऊपर इसे पानी डालना है। नो वे, नो फ्लिपिंग वे। आई मीन हाउ द हेल ही डू दैट, कुछ भी नहीं हो रहा है। आई मीन भाई वो पानी गायब हो रहा है। वहाँ पे उसने ऐसे ही करा था ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि उसने इसे आग लगाई थी एंड देन उसके ऊपर इसे पानी डाला था। एक्चुअल में हम स्पॉन्ज के ऊपर पानी रख ही नहीं सकते। देखो मैं अगर यहाँ पे पानी, मतलब पानी रखूंगा ना, ये पानी ऑटोमेटिकली यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर मैंने इसे तेज तरीके से पानी डाला ना तो भी कुछ नहीं हो रहा। देखो ये स्पॉन्ज सारा का सारा पानी, एक सेकंड हो रहा है। ओ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। मतलब मैंने बहुत तेज पानी यहाँ पे डाला था, दैट्स व्हाई मे बी ये पूल फिलअप हो गया। एंड देन इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से ऐसे नीचे आना था। हमारा फ्लोर कहाँ पे था भाई? हाँ यहाँ पे ऐसे। देन हमको ये नीचे वाला, मतलब ऊपर वाला स्पॉन्ज तोड़ना है। तो इससे पानी इसके अंदर आ रहा है भाई, इट इज़ नॉट वर्किंग, ये चीज़ काम नहीं करे। मतलब वहाँ पे तो पानी इजीली हवा में फ्लो हो रहा था। एक और पानी वाला टिकटॉक, इसके पास एक ही वाटर बकेट थी, उसने इसको यहाँ पर डाला एंड देन तीन वाटर बॉटल भर ली और इन्हीं वाटर बॉटल को उसने कोल्ड्रन के अंदर डाला। ओके, देन वो कोल्ड्रन फुल हो गया एंड देन उसने और एक वाटर बकेट फिलअप कर। ओ माय गॉड, हम मतलब इसका मतलब हम एक वाटर बकेट से अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना सकते हैं। तो इसकी मदद से माइनक्राफ्ट में एक ही वाटर बकेट से अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना सकते हैं। ओ माय गॉड, ये चीज मुझे पता नहीं थी भाई। लेट्स ट्राई दिस थिंग हियर। उसके लिए हमको कोल्ड्रन एंड वाटर बकेट, भाई मेरे पास ऑलरेडी वाटर बकेट थी, एक वाटर बकेट ले लेते हैं एंड हमको खाली ग्लास की बॉटल चाहिए। तो यहाँ से खाली ग्लास की बॉटल, या ये रही, हमको टोटल तीन ग्लास की बॉटल चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली तीन। एंड देन इसके बाद वी नीड अ कोल्ड्रन। गेम मोड सर्वाइवल, ये भी सर्वाइवल में आ गया है। देन इसके बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे कोल्ड्रन रखना है एंड देन मुझे यहाँ पे 4x4 का एक गड्ढा करना है जिसके अंदर मुझे एक वाटर बकेट डालनी है। भाई यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे करते हैं। नीचे वाली ज़मीन भाई पूरी मतलब ख़राब हो गई है, तो यहाँ पे ये मैंने बनवा लिया, नाइस। एंड ये वाटर बकेट मुझे यहाँ पे डालनी थी इस तरीके से एंड देन मुझे यहाँ पर तीनों वाटर बकेट फिलअप करनी थी। यहाँ से मैं फिलअप कर लेता हूँ, 1, 2 and 3। तीनों वाटर बकेट मैंने फिलअप कर दी एंड देन मुझे ये वाटर बकेट इसके अंदर डालनी थी, आई मीन वाटर बॉटल्स, 1, 2 and 3। ओके, एंड देन इसके बाद OMG एंड नाउ ओ माई गॉड, जस्ट लुक एट दिस थिंग, अनलिमिटेड वाटर सोर्स। एक सेकेंड, वेट, नहीं अभी तक तो नहीं बना। एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत करा है क्या? ये यहाँ पे डाला है। हाँ, ये अनलिमिटेड वाटर सोर्स की तरह तो दिख रहा है, या बन गया। ओ भाई देखो, अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन गया। बस मैंने एक बकेट से पूरा का पूरा माइनक्राफ्ट में अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लिया। तो आप इस तरीके से माइनक्राफ्ट में अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना सकते हो। देखो मैं अभी मैं चाहे उतनी वाटर बकेट से आप ऐसे फैला सकता हूँ। सो ये चीज़ सही में काम करती है, ये ट्रिक भाई यार बहुत यूज़फुल ट्रिक है। हम चाहे उतना भी यहाँ पर पानी बना सकते हैं। देखा, मैंने 5-6 बकेट्स यूज़ कर ली यहाँ पे, बट फिर भी वो पानी खत्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये एक्चुअल में एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स है। ये चीज़ मैंने सर्वाइवल में करी है, सो इट्स 100% रियल। आप इसको भी खुद भी ट्राई कर सकते हो। स्नो गोलेम वर्सेस एंडरमैन। ओ भाई, स्नो गोलेम उसके ऊपर देखो कितना ज़्यादा अटैक कर रहा है एंड पानी की वजह से वो भाई टेलीपोर्ट भी नहीं हो पा रहा ठीक से। समंदर, हाँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गहरा समंदर मुझे दिख रहा है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए हमको बस बीच में आयरन गोलम, मतलब स्नो गोलम को स्पॉन करना है एंड उसके साइड में सारे के सारे स्नो गोलम्स रहेंगे। तो यहाँ पे रहेगा हमारा एक स्नो गोलम एंड देन इसके बाद हमको इसके चारों तरफ एक एक ब्लॉक रखना है, जस्ट लाइक दिस। एक ब्लॉक यहाँ पे, दूसरा ब्लॉक यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे हम देन एक
एंडरमैन को स्पॉन करेंगे, जो कि भाई यहाँ से टेलीपोर्ट नहीं हो पाएगा। फाइनली हमारा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। देन इसके बाद हमको जरूरत है एंडरमैन के स्पॉन, एक एंडरमैन को स्पॉन करना है जस्ट लाइक दिस। तो गाइस एक एंडरमैन मैंने यहाँ पे स्पॉन करवा दिया है। एंड देन इसके बाद हमको जरूरत है स्नो की, हमको स्नो के ब्लॉक की जरूरत है ताकि हम यहाँ पे स्नो गोलम बना सके, या स्नो ब्लॉक। एंड उसके लिए एक पम्पकिन भी चाहिए होता है मेरे हिसाब से, या ये वाला पम्पकिन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं एक पम्पकिन वाला गोलम बना देता हूँ, स्नो गोलम। ये एक स्नो गोलम बन गया एंड ये भाई इसके ऊपर अटैक करेगा। बट एंडरमैन टेलीपोर्ट होना यहाँ पे देख, तेरे लिए मैंने प्लेटफॉर्म भी बनाया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हेलो व्हाट, अरे हो रहा है, देखो हो रहा है, ये चीज काम कर रही है। एक सेकंड, उसने वहाँ पे काफी सारे स्नोगोलम स्पॉन कर रहे थे, लेकिन यार मैं यहाँ पे काफी सारे स्नोगोलम कैसे स्पॉन करूंगा, वहाँ पर उसने कमांड ब्लॉक का यूज करा था। बट एनीवेज अभी एक दूसरा स्नोगोलम मैं यहाँ पे बनाऊंगा। हाँ, अभी दो स्नोगोलम उसके ऊपर अटैक करेंगे, तो इसको अभी इधर टेलीपोर्ट होना पड़ेगा। चेस्ट है, उसके अंदर एक विलेजर एग एंड एक डायमंड है। ओके, देन हमको विलेजर को स्पॉन करना है, उसको लाइब्रेरियन बनवाना है, एंड देन वो पावर 5 की बुक दे रहा है, मतलब कौन सी भी रैंडम बुक। एंड देन हमको उसको मारना है, तो वो बुक ड्रॉप कर दे। उसने बुक ड्रॉप करी एंचांटमेंट पावर 5 की। तो ये चीज करने के लिए हमको सबसे पहले एक एमरल को एंचांट करना पड़ेगा लूटिंग की एंचांटमेंट से, देन तभी हमको विलेजर वो वाली बुक देगा। दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। सो सबसे पहले यहाँ से मैं एक एमरल ले लेता हूँ, या एक एमरल ले लेते हैं। एंड देन इसके लिए हमको एक लूटिंग की बुक चाहिए, क्योंकि हमको लूटिंग 3 उसके अंदर डलवानी पड़ेगी, उसके लिए एक एनविल चाहिए होगा। भाई मैंने मतलब एमरल के अंदर मैं लूटिंग पहली बार डलवा रहा हूँ, सो ये रहा एनविल, ये एमरल यहाँ पे, एंड ये लूटिंग की बुक यहाँ पे, तो इसके अंदर लूटिंग 3 आ जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली। एंड देन वी नीड अ विलेजर, जिसको भी हमको यहाँ पे स्पॉन करना, मतलब करवा के यहाँ पे उसको लाइब्रेरियन भी बनवाना है। तो मैंने यहाँ से एक लेक्नर ले लिया एंड ये विलेजर भी आ गया। लेट्स गो, अभी जल्दी से लाइब्रेरियन बन जा। एंड देखा, जैसे मैंने ये वाला एमरल पकड़ा, तो ये अभी मेरे को लूटिंग की बुक दे रहा है। अगर मैंने इसी से इसको मारा, तो ये मेरे को ये जो भी एंचेंटमेंट बुक है वो ड्रॉप करके देगा। हेलो सर, गिव मी अ बुक। तो अभी इस एमरल के अंदर आप देख सकते हो लूटिंग 3, शार्पनेस 5 एंड पावर 5 है। तो अभी मैं इसी एमरल से इसी विलेजर को मारूंगा, देन मेरे को ये बुक दे देगा। बुक दे दे। मर ले भाई, इसके अंदर शार्पनेस 5 है। मर जा, नहीं दे रहा है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। यहाँ पे एक मशरूम का वैन क्रीपर है, एंड उसने आइटम फ्रेम के ऊपर लाइटिंग स्ट्राइक करी, तो वो नॉर्मल काउ मशरूम काउ में कन्वर्ट होगी। व्हाट? तो गाइस मैंने यहाँ पे एक माइनक्राफ्ट की मशरूम काउ को समन कर लिया है। एंड देन इसी के बाद हमको इसके जस्ट बगल में एक क्रीपर को भी स्पॉन करवा के रखना था, एंड देन मुझे उसके ऊपर लाइटिंग स्ट्राइक करवानी थी। तो यहाँ पे एक क्रीपर आएगा, ये क्रीपर रहा। एंड देन हमको एक आइटम फ्रेम की जरूरत है, ये रहा एक आइटम फ्रेम, एंड हमको इसके ऊपर लाइटिंग को स्ट्राइक करवाना था इस तरीके से। तो ये आइटम फ्रेम रहा, एंड इसके लिए हमको ट्राइडेंट भी चाहिए, जिसकी मदद से हम लाइटिंग स्ट्राइक करेंगे। लेकिन लाइटिंग स्ट्राइक करने के लिए मे भी ट्राइडेंट के अंदर चैनलिंग चाहिए होता है। ये रही बुक ऑफ चैनलिंग। एंड देन इसके बाद हमको ये वाला ये चैनलिंग की बुक ट्राइडेंट के अंदर, तो ट्राइडेंट के अंदर चैनलिंग आ गई। ओह, इट वर्क्स। देखा, अभी भी यहाँ पे लाइटिंग स्ट्राइक होगी। एंड मैंने ये अटैक करा था ये वाले इसके ऊपर, मतलब आइटम फ्रेम के ऊपर मैंने ये चीज स्ट्राइक करी थी, बट लेकिन ये मशरूम काउ भी भाई ब्राउन काउ में कन्वर्ट होगी, तो ये चीज सही में काम करती है। एंड एक सेकेंड, फिर से एक बार मैंने करा, तो भाई फिर से एक बार वो ब्राउन काउ रेड काउ बन गई। व्हाट द हेल भाई, क्या हो रहा है? फिर से एक बार करके देखते हैं। आई डोंट नो भाई व्हाट इज हैपनिंग। अभी यहाँ पर फिर से एक बार करके देखते हैं, अभी फिर से एक बार ये मे बी ब्राउन काउ बन जाएगी। यहाँ पर इसी के ऊपर अटैक करना है, वो फिर से एक बार ब्राउन काउ बन गई। एंड अभी फिर से एक बार करा, तो भाई लिटरली मैं इसका कलर चेंज करवा रहा हूँ, मतलब करवा रहा हूँ अपने हिसाब से। देखो फिर से एक बार करके देखते हैं अभी ये। अरे यार, इस बार वो मर गई। तो इसकी मदद से हम रेड मशरूम काउ को ब्राउन काउ बनवा सकते हैं, ब्राउन काउ को मशरूम काउ बनवा सकते हैं। स्मूथ स्लैब का एक ब्लॉक है, एंड इसके ऊपर हमको ड्रैगन का सर रखना है। वेट, इससे एक इमोजी जैसा सर बन गया। व्हाट द हेल, मैंने यहाँ से 10 ड्रैगन के सर उठा लिए। देन इसके बाद हमको स्लैब्स की जरूरत है, जो कि कॉर्ड का स्लैब चाहिए। ये रहा कॉर्ड्स का एक स्लैब, एंड इसके बाद हमको एक स्लैब को यहाँ पे ऐसे रखना था, एंड ड्रैगन का सर एक ऐसे लगाना था, ऐसे। अरे यार, एक सेकेंड, फिर से एक बार मैं करके देख। हाँ देखो गाइस, एक फेस मतलब एक चेहरा बन गया। एंड अगर मैं सेम चीज़ दो स्लैब्स के साथ यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो दो स्लैब्स लगवा दिए, एक ड्रैगन का सर ऐसे लगाना था, दूसरे ड्रैगन का सर ऐसे तिरछा होके ऐसे लगाना था। थोड़ा सा भी गलत लग रहा है। हाँ ऐसे एग्जैक्टली, देखो एक और फेस बन गया, मतलब इमोजी टाइप का ये चेहरा बनना है, मतलब बन रहा है, दिखने में बहुत ज्यादा प्यारा है। सैडल, वेट, हम माइनक्राफ्ट में सैडल बना सकते हैं? आर यू सीरियस? नो वे। क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे, देन इसके बाद हमको दो आयरन किंगड ऐसे यहाँ पे रखने थे,
लेदर ऐसे ऊपर रखना था एंड स्ट्रिंग्स ऐसे यहाँ पे रखने, नहीं बना सकते। सैडल हम माइनक्राफ्ट में बना ही नहीं सकते, बट उसने वहाँ पे में भी किसी डेटा पैक का यूज करा होगा जिसकी मदद से माइनक्राफ्ट में सैडल बना सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे हम इसको बना नहीं सकते। नॉर्मली हमको माइनक्राफ्ट में सैडल को फाइंड ही करना पड़ता है, जो कि हमको डेजर्ट टेम्पल के अंदर मिलता है या रेड के अंदर जो हम वो बंदे आते हैं उनको मारने से मिलता है। तो माइनक्राफ्ट में सैडल क्राफ्ट नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।